हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इंशा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाली हूँ जो कि दुनिया भर में 250 से ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्लू व्हेल डेडली चैलेंज गेम का डेवलपर, प्रोड्यूसर, और वो इंसान तो नहीं, वो एक हैवान ही है जिसका नाम है फिलिप बुडेकिन। उसकी एज 21 या 22 है और उसको फिलिप लिस नाम से भी जाना जाता है। वो बंदा कहता है कि ये जो मेरा गेम है, मैंने जो डेवलप किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि मेरा मोटिव था कि मैं सोसाइटी को क्लीन करना चाहता हूँ, वैसे लोगों से क्लीन करना चाहता हूँ जिसको वो बायोलॉजिकल वेस्ट बोलता है। और उसने इस गेम को 2013 में लॉन्च किया था। ऑब्वियसली वो एक रशियन है और ये गेम उस वक्त उतना ज़्यादा फेम नहीं पाई थी क्योंकि उतना ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी उससे। और लेकिन रशिया में अकेले 130 मौत हो चुकी है, रशिया और सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज़ को मिला के। बात बहुत ज़्यादा तब बढ़ी जब इंडिया में भी ऐसी केसेस आने लगे और इंडिया में ऐसे 5 केस रिपोर्ट किए गए जिसमें से 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया एंड में, अकॉर्डिंग टू वो जो चैलेंज देता है ब्लू व्हेल गेम, और 2 को बचा लिया गया किसी तरह सुसाइड करने से। उसका मोटिव ये रहता है, वो ये करता है कि पहले आपको किसी भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, मीडिया पे वो स्केरी वीडियोस डालता है जिससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और फिर वो ये पता करता है कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं या कितने सारे टीनेजर्स हैं जो जिनके ब्रेन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसको वो टर्म देता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, कि किन किन से, किन किन लोगों से वो काम करवाया जा सकता है जो वो खुद चाहता है करवाना। जो भी वहाँ उसका जो मेंटोर रहता है उस गेम का, जो उस लोगों को डायरेक्ट करता है, तो वो जो काम करवाना चाहता है वो बच्चे कर सकते हैं या नहीं, तो उनसे वो काम करवाता है। ऐसा सुना गया है कि ये जो फिलिप बुडेकिन हैं, वो उनकी हिस्ट्री बहुत अजीब सी रही है। वो बहुत मतलब उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो जब यंगस्टर ही हैं, मतलब उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और उनकी मदर ने ख़ुद उनको इतना इग्नोर किया था, तो शायद उनका दिमाग थोड़ा सनक गया था, तो उन्होंने ऐसा गेम बनाया और वो पूरी दुनिया से बायोलॉजिकल वेस्ट को हटाना चाहते थे। और ये कहते थे कि जो विक्टिम्स हैं वो खुद इस काम को करके खुश हैं क्योंकि वो सोसाइटी को क्लीन करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोचिए कैसी बात हुई है। अब खुशी की बात यह है कि उनको पकड़ा जा चुका है क्योंकि उन्होंने खुद अपने क्राइम को कॉन्फेस किया। जब कॉन्फेस किया तो उनको अपने कॉलेज से निकाल दिया गया, 3 साल के लिए उनको रशियन प्रिजन में रखा गया है। बस तो ये एक बहुत ही ये डेडली गेम लाने वाला एक डेडली इंसान है जो भी जेल के अंदर है। देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है क्योंकि 3 साल का इम्प्रिजनमेंट तो बहुत छोटा सा पनिशमेंट है एक इतने बड़े मर्डर को प्लान करने वाले इंसान के लिए, लेकिन फिर भी जो होता है हम देख सकते हैं। और हमारे लिए जानना थोड़ा ज़रूरी था। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।